चलो ऐसा हो कि पैर छूटे तो मैं पास में रहूँ, पैर छूटे यहाँ पे और बोला तो फिर जीते रहो तो थोड़ा और छोड़ा था बॉन्डर बॉन्डर कम का एक बार फिर से बिगिन का आधा पास में आवाज लेफ्ट पैंक का लेफ्ट पैंक दोनों हाथ से जोड़ो हाथ पकड़ना लेफ्ट पैंक और थोड़ा थोड़ा ठीक है प्लैंक में पुलाव अधिकार से लेकर आए ये हमारा बैन कर देना चाहिए ना क्योंकि फट से चार दिन मार दूंगा उड़िया कट ओके चलो सर यार लेती है सर लाइट ओके किसी से कुछ नहीं करूंगी चलती सुनो वैसे तो नीचे से किसी को नहीं टूटना चाहिए लेकिन बहुत जल्द इस घर की बहू बनाकर लाएगा अधिकार से ये हमारा वादा है ये डालो तुम ना लोग वैसे तो पीछे से किसी को आवाज नहीं लगानी चाहिए लेकिन हम बहुत जल्द इस घर की बहू बनाकर लाएंगे ये हमारा वादा है
ओके सब चलेंगे मास करंट नहीं आ रहा मैं छुआ नहीं रहा ए श्याम हां वेरी गुड चल देंगे एक नेट लेके आओ किसी से डर श्याम ऊपर से एक नेट ले रेडी देख लो मैं लास्ट देखी सर मैं दर्शकों को लुक देके जाओ या ऐसे ही निकलो उनका One more. One more, sorry. Take one. Rolling. एंट्री का बेबी मानो शांति बंद भाई सिलोपास मोटर छोड़ो मैं जा रहा हूँ बाहर। हाँ। आवाज़
कुछ बोल नहीं रहे रोल करो निकल जाओ और आपके लेफ्ट में ठीक राइट साइड रोल चल दादू करो कि आप ठीक तो है ना दादू ने हाँ में सर लाया फोन बजा मक्का बोल बोला नहीं उसने खाली नोट किया और चला जी पर ये एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको पर राधा के जो आंसू है वो खुशी के आंसू है क्योंकि राधा को पता चल गया है कि अली के फ्लैट में जिसकी तस्वीरें थी वो राधा की ही थी तो राधा बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि दादाजी ने भी उसे होप दिया है कि नहीं अली अभी भी तुमसे प्यार करता है और अभी भी उसके मन में तुम्हारे लिए ही प्यार है और अगर वो ज़िंदगी से ज़्यादा किसी से प्यार करता है वो तुम हो तो मुझे ऐसे लग रहा है कि लाइक यू नो हाफ बैटल आई हैव वन दैट बैटल एंड आई फील दैट यू नो समवेयर अली इज़ गोइंग टू फॉल इन लव विद मी तो आई विल डू ऑल फुल नखराज एंड झटकाज इन फ्रंट ऑफ हिम सो दैट यू नो ही कुड रिकग्नाइज इट एंड ही विल टॉलरेट इट एंड फॉल इन लव और व्हाटएवर इट इज़ So, सब गुड इज हैपनिंग गुड इज कमिंग जी जी है ना ये कॉइन हर एक हेड्स टेल जैसे कॉइन के सिक्के के दो पहलू होते हैं वैसे हम मुंबई में बारिश के भी दो पहलू हैं तो मैं साउथ में रहती थी तो नरीमन पॉइंट एरिया जहाँ मेरे कॉलेज चर्चगेट के पास होता था मेरा घर वालकेश्वर में होता था तो कॉलेज से घर तक जाने का रास्ता ब्यूटीफुल एज इन साउथ मुंबई इज़ जन्नत इन रेनी सीजन बट इफ़ यू कम टू लिटिल दादर द बोरीवली माटुंगा साइड यू फील वाई प्लीज़ नो रेन्स एंड ऑल्सो इट इज़ दिस थिंग दैट यू नो काम रुक जाता है गाड़ियाँ फंस जाती है ट्रेन रुक जाती है तो उसकी वजह से थोड़ा ये होता है बट इट इज़ नॉट रेन फॉल इट इज़ डेफिनेटली आर फॉल दैट वी आर नॉट टेकिंग और वी आर नॉट यू नो यूटिलाइजिंग द रेन वाटर वॉट एवर इट इज़ वी नॉट टेकिंग केयर ऑफ द रोड्स और यू नॉट बिल्डिंग प्रॉपर थिंग दैट यू नो वाटर कुड गो एंड इट विल नॉट क्लॉग समथिंग लाइक दैट तो बट आई लव रेन्स बट हाँ रेंज का भी एक फ़ायदा है कि तुम घर पे बैठो बालकनी में बैठो गरम गरम चाय हाथ में एक कुकी हो या फिर खाकरा हो कुछ भी हो और बस खाते बैठो दैट्स इट बारिश से बचने की एक ही टिप है रेनकोट और छाता और कुछ टिप नहीं है बट हाँ जस्ट मेक श्योर दैट इफ यू आर गोइंग आउट अवॉइड गोइंग आउट इन रेन एंड वेयर देयर इज़ वाटर जिस दिन पानी जमा हुआ है तो वहाँ मत जाइए क्योंकि पता नहीं ना क्या हो सकता है और माशाल्लाह हमारे पॉट होल्स
जो होल कम्स और जो मैन इंसानों को ले जाते हैं वो ज़्यादा है, तो मैंने खुद देखा और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मैं आधी पॉटफोल में चली गई थी, तो तब से मेरी बहुत मुझे नहीं होता जाने मानसून में। तो अगर रोज़ साफ सुथरी हो, सिर्फ पानी गिर रहा हो, तभी मैं बाहर निकलती हूँ, बट बाहर नहीं निकलना चाहिए मेरे हिसाब से। थैंक यू।